हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इलिजबेथन पीरियड के क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, तो अगर आपको और भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, मैं लास्ट वीडियो बना रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स पे। अगर आपको और भी इलिजबेथन पीरियड के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हॉटस्पर इज़ ए कैरेक्टर इन, हॉटस्पर इज़ ए कैरेक्टर इन। आंसर इज़ हेनरी फोर पार्ट वन, हॉटस्पर इज़ ए कैरेक्टर इन हेनरी फोर पार्ट वन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर हिस्ट्री प्ले, शेक्सपियर हिस्ट्री प्ले स्पैन इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम, कौन से पीरियड के ऊपर उन्होंने लिखा है? 1200 टू 1550। हिस्ट्री प्ले का स्पैन पीरियड क्या है? 1200 टू 1550। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइट एंड द बर्निंग पेस्टल, द नाइट एंड द बर्निंग पेस्टल ए सटायर ऑफ चिवेलरिक रोमांसेस बाय डैश मास्टरपीस इन द जनरे ड्रामेटिक बर्लेस्क्यू। किसने लिखी है द नाइट एंड द बर्निंग पैसल? ए सटायर है किसके ऊपर? चिवेलरिक रोमांस के ऊपर, बाय डैश मास्टरपीस इन द जनरे ड्रामेटिक बर्लेस्क्यू। आंसर इज ब्योमोंट एंड फ्लेचर, ब्योमोंट एंड फ्लेचर। द नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ एक्टियम, द बैटल ऑफ एक्टियम वेज्ड एट सी अपीयर्स इन, द बैटल ऑफ एक्टियम ACTIUM एक्टियम वेज्ड एट सी अपीयर्स इन, कौन से प्ले में बैटल ऑफ एक्टियम दिखाया गया था? एंटनी, आंसर इज एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। द नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ फिलिपी, द बैटल ऑफ फिलिपी फीचर्स इन, फिलिपी का बैटल किस में दिखाया गया था? जूलियस एंड सीजर। ओके, तो डोंट बी कन्फ्यूज, द बैटल ऑफ एक्टियम किस में दिखाया गया था? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एंड द बैटल ऑफ फिलिपी दिखाया गया था जूलियस सीजर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोब थिएटर वॉज रीबिल्ट इन, ग्लोब थिएटर रीबिल्ट, बिल्ट कब हुआ था? 1599 में, और रीबिल्ट कब हुआ था? 1614 में, रीबिल्ट कब हुआ था? 1640। तो आई रिपीट द क्वेश्चन, द ग्लोब थिएटर वॉज रीबिल्ट इन, आंसर इज 1614। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर फिलिप सिडने सिस्टर मैरी हर्बर्ट वॉज द काउंटेस ऑफ, द फिलिप सिडने सिस्टर मैरी हर्बर्ट वॉज द काउंटेस ऑफ, किसकी काउंटेस थी? पेम्ब्रोक, PEMBROKE, पेम्ब्रोक। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फॉल स्ट्रेट, कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट इज़ ए लाइन फ्रॉम डॉक्टर फॉस्टर्स। जो किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन सोरोस कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन, इज ए कोट फ्रॉम, जब दुख आते हैं तो एक एक करके नहीं आते, पूरा एक बटालियन की तरह आते हैं, तो ये लाइन किस में थी? आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हेन सोरोस कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस, इज ए कोट फ्रॉम, आंसर इज हैमलेट, इज ए कोट फ्रॉम हैमलेट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेरिटो IMERITO इज ए कैरेक्टर इन, इमेरिटो इज ए कैरेक्टर इन, इमेरिटो किस में कैरेक्टर था? द शेफर्ड्स कैलेंडर, द शेफर्ड्स, आंसर इज द शेफर्ड्स कैलेंडर, और किसने लिखा ये? एडमंड स्पेंसर, तो डोंट फॉरगेट, पोएट थे एडमंड स्पेंसर जिन्होंने फेरी क्वीन लिखी थी। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इमेरिटो इज ए कैरेक्टर इन द शेफर्ड कैलेंडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर स्पीक्स दिस लाइन इफ म्यूजिक बी द
form of love, play on. If music be the form of love, play on. किसने बोला था ये लाइन? ऑर्चिनो ने. किसने बोला था? ऑर्चिनो ने. और कौन से प्ले में बोला था? ट्वेल्थ नाइट में बोला था. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर स्पीक्स द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? किसने बोला था? ऑर्चिनो, ओ आर एस आई एन ओ, ऑर्चिनो ने बोला था. कौन से प्ले में बोला था? द ट्वेल्थ नाइट में. ओके, द नेक्स्ट इज द शेक्सपियरियन कैरेक्टर लॉन्सिलॉट गोबो इज. कौन थे द शेक्सपियरियन कैरेक्टर लॉन्सिलॉट? एल ए यू एन सी ई एल ओ टी, लॉन्सिलॉट गोबो, जी ओ बी बी ओ, गोबो इज ए डैश. आंसर इज शाइलॉक सर्वेंट. कौन थे वो? शाइलॉक के सर्वेंट थे. शाइलॉक, एस एच वाई एल ओ सी के, शाइलॉक सर्वेंट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुटेबिलिटी. मुटेबिलिटी, एम यू टी ए बी आई एल आई टी आई ई, मुटेबिलिटी. द सेवेंथ बुक ऑफ फेरी क्वीन डिपिक्ट्स द वर्च्यू ऑफ. ये हमने डिस्कस किया जब हमने फेरी क्वीन किया था. उन्होंने सेवन्थ बुक लिखी थी लेकिन दैट इज़ अनफिनिश. ठीक है, वो 24 लिखना चाहते थे लेकिन ओनली 6 ही कंप्लीट कर पाए थे. ठीक है, तो मुटेबिलिटी जो थी, द सेवेंथ बुक ऑफ फेरी क्वीन डिपिक्ट द वर्च्यू ऑफ. आंसर इज कॉन्स्टेंसी, सी ओ एन एस टी ए एन सी वाई, कॉन्स्टेंसी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन इन 1613 ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ. द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन इन 1630 ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ. किसके परफॉर्म, कौन से प्ले के परफॉर्मेंस में ग्लोब थिएटर बर्न हुआ था? हेनरी एट, हेनरी एट. आंसर इज हेनरी एट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच शेक्सपियरियन प्ले इज द बैटल ऑफ अग्निकॉट ए सेंट्रल इशू. ये ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ तो आप ट्राई टू आंसर इट. इन विच शेक्सपियरियन प्ले इज द बैटल ऑफ अग्निकॉट ए सेंट्रल इशू? हेनरी फिफ्थ. आंसर इज हेनरी फिफ्थ. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड शेफर्ड प्ले इज. सेकेंड शेफर्ड प्ले क्या है? ए मिस्ट्री प्ले. इट इज ए मिस्ट्री प्ले. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर सिंग्स द फॉलोइंग लाइन. विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर सिंग्स द फॉलोइंग लाइन? द पूर सोल सेट साइनिंग बाय ए साइकरमोर ट्री. आई रिपीट द क्वेश्चन. विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर सिंग्स द फॉलोइंग लाइन? द पूर सोल सेट साइंगिंग, सेट साइंगिंग बाय ए साइकरमोर ट्री. आंसर इज डेस्डिमोना इन ओथेलो. किसने बोला थी लाइन्स? डेस्डिमोना ने बोली थी. किस में? ओथेलो में. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेडेना इज ए कैरेक्टर इन. वेडेना, वी आई डी ई एन ए, वेडेना इज ए कैरेक्टर इन ए प्ले बाय. किस में थी वेडेना नाम की कैरेक्टर? थॉमस सेक्विले, एस ए सी के वी आई डबल ई एल ई, सेक्विले. ठीक है, गोरबेडक में जो वेडेना नाम का कैरेक्टर था वो किसने लिखा है? थॉमस सेक्विले. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कन्फर्म द थ्री यूनिटीज. जो एक यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिट ऑफ टाइम जो एरिस्टोटल ने बताया था, तो किस में थ्री यूनिटीज है? विच, आई रिपीट द क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कन्फर्म द थ्री यूनिटीज? आंसर इज कॉमेडी ऑफ एरर. आंसर इज कॉमेडी ऑफ एरर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले सेट इन एथेंस. एथेंस में कौन सा प्ले सेट हुआ है? सेटिंग एथेंस रखी गई है ए मिड समर नाइट ड्रीम. ए मिड समर नाइट ड्रीम.
द लास्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज फ्रांसिस बेकॉन एसे फर्स्ट पब्लिश. इन विच ईयर वॉज फ्रांसिस बेकॉन जो एसेस थे ऐसे लिखते थे ठीक है. इन विच ईयर वॉज फ्रांसिस बेकॉन एसेस फर्स्ट पब्लिश. आंसर इज 1597. ओके एक क्वेश्चन और मैं लेती हूँ लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ वॉच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ये मेरा 50th वीडियो है तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए पूरा लिटरेचर सीरीज़ कंप्लीट करूँ तो बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं तो आप प्लीज़ मोटिवेशन के लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है. तो अपना लास्ट क्वेश्चन है लव लेबर लॉस्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग आर एग्जाम्पल्स फॉर. लव लेबर लॉस्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग आर एग्जाम्पल्स फॉर. आंसर इज कॉमेडी ऑफ एरर बाय विलियम शेक्सपियर. ठीक है तो अगेन मैं बोलना चाहूँगी प्लीज़ वॉच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.